अक्सर भारत के इतिहास की बात होती है, आइए आज भारत के एहसास की बात करते हैं। वो एहसास जो अलग होकर भी एक है। अब केरला के तवे पे फैली डोसे की सफेदी हो या दिल्ली का समोसा तेल में छलांग मारने के लिए रेडी हो, दोनों को बनाने के तरीके अलग हैं, पर खाने का एहसास सेम टू सेम। या एमपी के मंदिर में हो रहा फूलों से भगवान का आदर हो, सेम टू सेम है राजस्थान के खमाघनी और हरियाणा के राम राम में मेहमान नवाजी का एहसास। सेम टू सेम है पंजाब के भंगड़े और कोलकाता के सिंदूर खेला में जश्नबाजी का एहसास। इंडिया के अलग तरीकों में एक ही एहसास समाया है, लेकिन इंडिया की आवाज ने एक होकर भी कई एहसासों का वरदान पाया है। ऐसी आवाजों के वन स्टॉप डेस्टिनेशन पे हम आ रुके हैं, जहां एक आवाज में लाख एहसास छुपे हैं। ये जो इंडियन आइडल का स्टेज है, इस एक स्टेज में लाखों एहसास छुपे हैं। किसी के लिए ये सपनों की उड़ान है, किसी के लिए पहला ब्रेक, किसी के लिए मंजिल है, किसी के लिए सफर है, और मेरे लिए ये मेरा घर है, जहां मैं इस साल इंतजार कर रहा हूं उस एक आवाज का जिसमें लाखों एहसास छुपे हैं। कुछ ऐसी आवाज। तुझे देखा तू ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहां से कहां जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये हिट से ज्यादा लिट दादा था, हिट से ज्यादा लिट दादा। तो हम लोग सीट है। शानुदा, श्रेया, इंडियन आइडल 14, नया सीजन, नया वाइब, अब शुरुआत कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारे लोगों का गाना सुनना है। आई थिंक सबसे जूनियर जज से शुरू करते हैं, जो के नए नए जज बने हैं। शानुदा जूनियर बोल रहा है, जूनियर यहाँ पे, बाकी दुनिया भर में बहुत सीनियर। अच्छा चलेगा ना, आई एग्री। बुलाइए सर पहले कंटेस्टेंट को। जी आ जा। अरे आना, क्या होता है विनर बन जाने के बाद का सफर। द फर्स्ट विनर ऑफ इंडियन आइडल जूनियर। सफलता के नशे में चूर होना या फिर चुन लेना कोई नई लगन। बाप का हुनर होता है आपकी इबादत, जीतने का एहसास बन जाता है आपकी आदत। अरे! पहली बार देखा? नहीं नहीं दादा, शीज अंजना पद्मनाभन। आपकी नजरों ने समझा प्यार के। तुम तो कमाल की चीज हो यार। ये तो जीत के गई है यहाँ से। ओ अच्छा, अंजना पद्मनाभन। 10 साल बीत गए अंजना,
10 साल. So good to see you. जो भी मैंने सीखा ये प्लेटफॉर्म से सीखा, जो भी मुझे मिला, आइडल वॉज माय घराना, मैं ये जरूर कहूंगी. क्या बात है. यहाँ से जैसे मैं गई बैंगलोर, मैं 10 साल की थी तब, तो एजुकेशन वाज आल्सो देयर. उसके साथ साथ म्यूजिक सीखना पहले सबसे प्रायोरिटी था, तो मैंने थोड़े थोड़े डिफरेंट स्टाइल सीखने की कोशिश की. हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा, कर्नाटिक थोड़ा सीखा और वेस्टर्न क्लासिकल भी थोड़ा सा सीखा. और अभी थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके सामने थोड़ा अच्छे से गा लूँ. अरे गुड गुड. कि हिंदी कितनी अच्छी हो गई है. अरे मैं हिंदी बात नहीं करती. तो फिर गाना कैसे गाती. मेमोराइज करती हूँ. मेमोराइज मेमोराइज वाइब वही है, मतलब बचपन वाली मुस्कान है. बचपन मतलब द सेम सेम जी सर. इट्स मैं बहुत खुश हूँ, स्पेशली आप सबके सामने गाने के लिए. इट्स वेरी स्पेशल. थैंक यू सो मच. चलो ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छे से गाओ. आपका अपने घर में स्वागत है. क्या बात है. ग्रेट टू हैव यू बैक. ये आवाज, ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा हिट है. थैंक यू सो मच. आई थिंक आई
lost all control of my face. मतलब मेरे इतने expressions थे, मैं रो भी रही थी, हंस रही थी, मैं jump कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. मतलब forget all the things that हम जानते हैं आपको पहले से, आप जीत चुकी है Indian Idol Junior, लेकिन आज जो किया है ना, I was not ready for this. Thank you so much, ma'am. Usually एक गाना एक genre का होता है, आप उसी में रहते हो. इसमें आपने improvisations जो की है, dynamics का control, कहीं खुल रही है आवाज, कहीं scale changes with precision. मुझे लगता है जितना आपके पापा आपकी मम्मी का जो फीलिंग हो रहा होगा आपकी परफॉर्मेंस सुनते हुए, मुझे वही फीलिंग हो रही थी. एंड आई वाज लाइक विशाल होल्ड मी, कंट्रोल मी, आई कांट हेल्प मायसेल्फ. बट यू नो व्हाट द वन थिंग, आपकी टेक्सचर हमेशा खास थी, हम उस वक्त भी बोलते थे और अभी भी. थैंक यू सो मच सर. सी लॉट ऑफ पीपल देयर वॉइसेस चेंज, बट आई एम टेलिंग यू योर वॉइस हैज चेंज्ड, बिकम सो ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल, क्या क्वालिटी है आपकी यार, कमाल है, कमाल. Fantastic, fantastic. Thank you, Baba. Thank you. क्या बताएं? गाने में बोल था नागिना, आप एक नागिना ही हो यार. Good one. माल है. तो दादा, आप पहली बार सुन रहे हो, आप डिसाइड करो. टिकट या माइक? टिकट फिकट डिजर्व नहीं करते हैं. चलो दे दे क्या तुमको? Come on, जाके दे दे. Come on. ये देखो बहुत मस्ती वस्ती चल रहा है यहाँ पे, ये लोग आ रहे हैं सब, हम लोग तो कर रहे हैं मस्ती, लेकिन हम लोग आपस में कुछ मस्ती करना चाहिए यार. जी ठीक है, करते हैं. ओके चल, तो मैं तेरे को एक चैलेंज देता हूँ. ओके, नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाएगा ना, उसको तेरे को यकीन दिलाना पड़ेगा कि तू उसे जानता है, उसको पहचानता है, उसके बारे में सब कुछ तेरे को मालूम है. हाँ चलिए कर देंगे. अच्छा नो प्रॉब्लम सर, 100% देखो पक्का. अच्छा अच्छा, आप बुलाओ सर. देखो आ जाओ भाई, अगले कंटेस्टेंट जो है तुमको कहीं देखा है पहले. आया आया. अरे नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार, आप तो वही हो ना, अपना छोटे सेठ जी. सर हाँ, आपको कैसे पता? IIT कानपुर के पीछे अपना बालाजी. अरे जो स्टोर है. हाँ हाँ सर. आपने मुझे पहचाना नहीं? पहचाना ना. मैं आप सबसे मिलके गया हूँ यार. जी सर. IIT कानपुर में हमारा शो था जब. हाँ सर, मैं आपसे मिलने के लिए आपके लास्ट सॉन्ग के पहले ही भाग भूक के साइकिल फेंक फूक के आपके पास पहुंचा था कैसे भी. थैंक यू दादा. वाह थैंक यू. उसको खुद पता नहीं कि मैं कहाँ मिलाऊं, लेकिन वो भी हाँ में हाँ मिलाए जा रहा है. IIT के पीछे तू रहता है, ये सब बताया था तू? हाँ बताया था. कितना नेक झूठ बोलता है तू. मैं फट्टे मार रहा था, आप तो फट्टेदार निकले, मतलब एकदम. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.